डीजियाना न्यूज के सभी दर्शकों को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। रादौगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह के लिए उनकी पत्नी ने भी किया जनसंपर्क तेज। रादौगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह के लिए उनकी पत्नी आज मतदाताओं के बीच पहुंची। वार्ड क्रमांक 1 और 6 में भ्रमण कर उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि आगामी 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए जयवर्धन सिंह को वोट दें। इस मौके पर कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाता मौजूद रहे। एक मिनट। रादौगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव रुद्रदेव सिंह का दूसरे दिन भी मकसूदनगढ़ में दौरा जारी। लोगों से कर रहे जनसंपर्क, कांग्रेस के लिए मांग रहे वोट। हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं रुद्रदेव सिंह, जो कि चाचौड़ा विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह के लिए मांग रहे हैं वोट। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर मतदाताओं के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इन सब की उम्मीद है कि मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद देकर इन्हें जिताएंगे। इसी कड़ी में बमोरी विधानसभा क्षेत्र से कन्हैयालाल अग्रवाल बड़े पैमाने पर अपनी जनसभा एवं जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। वहीं आज उन्होंने मुर्दा हनुमान, बांसखेड़ी, परवाहा, पिपलिया, खुशीपुर आदि जगहों पर जनसंपर्क किया। झागड़ से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। होते हैं तो हमारे ऊपर पार्टी की चाबी होती है, अंकुश होता है। निर्दलीय विधायक तो जनता के अलावा किसी से डरने का काम ही नहीं है उसका। अगर वो परवाह करेगा तो सिर्फ जनता की परवाह करने का काम करेगा। मैं काय को डरूंगा, आप तो मेरे तो भैया दो ही हाथ में लट्टू रहेंगे जनता की सेवा करने के लिए। आपका कोई प्रकाश रुकेगा नहीं। और हार को हमने सिद्ध किया है। मैं तो छोड़ दो, ऋषि भैया के पास भी आपका फोन पहुंच गया है और मेरे किसी कार्यकर्ता को आपने फोन लगा दिया है तो आपका फोन खाली नहीं गया। जो काम हो नहीं सकता था वो बात अलग है, नहीं तो आपके काम हमने हारने के बाद भी फोन से निपटाए। हारने के बाद भी अब तो आप जब विधायक बना दोगे तो आपकी कृपा से आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। बमोरी का विकास रुकेगा नहीं
और आपको ध्यान होगा यही भूख हड़ताल करी थी एक कांग्रेसी विधायक जी ने, इनने पनेटी ग्वालटोड़ा छतरपुरिया तालाब भूख हड़ताल करके बनवा रहे थे जी। ध्यान है 12 बजे बैठते थे और भूख हड़ताल चलती थी 3 बजे तक। जो कैसी भूख हड़ताल है भैया, खाना खा पी के बैठे और नाश्ते के टाइम टूट गए तो पूछा मेहमान होते, अरे दादा अगर ये भूख हड़ताल होते तालाब बन गए होते तो मैं पता नहीं कितनी बार भूख हड़ताल कर लेता। मकसूदनगढ़ में किसानों को नहीं मिल रही खाद, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने मकसूदनगढ़ चौराहे पर चक्का जाम करने की कोशिश की। इसकी सूचना मिलते ही मकसूदनगढ़ तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, थाना प्रभारी विनय शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर पूर्ण रूप से खाद वितरण चालू करवाने की बात की। इसके साथ ही खाद्य वितरण गोदाम पर भाली पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। संजय स्टेडियम के पास पीएचई पानी सप्लाई की मेन पाइपलाइन एक बार फिर टूटी। पीएचई द्वारा डाली गई पानी सप्लाई के लिए मेन पाइपलाइन संजय स्टेडियम के पास फूट गई, जिससे चलते हजारों गैलन पानी रोड पर बहने लगा। पाइपलाइन फूटने से पानी इतना प्रेशर से निकल रहा था जिसके ऊपर जेसीबी लगानी पड़ी, जिससे पानी ऊपर से 11 केवी की लाइन तक ना पहुंच जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व भी शिक्षा विभाग के सामने पानी की पाइपलाइन फूट गई थी। गुना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुलदीप अहलुपुरिया ने किया अपना जनसंपर्क तेज। उनके द्वारा गुना सहित गुना के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जा रहा है, वहीं उनको जनता का समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि कुलदीप अहलुपुरिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुना विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं। मंडी में आंगो अबे तो तराह ठीक है वो पार्टी वालों नहीं हो दादा बिरधा नहीं है बिरधा पार्टी वालों अपना तो गेस्ट है कितनी आई तुम भी हैं तराह को पीना हवा टक हाँ कहो वो कहीं नहीं बताओ कर दे रहे हैं कहीं नहीं जाना अपने ही माइक्रोफोन और क्या ठीक है ना चमकास ले ध्यान रखना साहब ये होम सिंह है वो हेलो आप लोगों के और का पार्टी तो बहुत पार्टी ने तो बहुत कर दिया ये तो क्या है व्यक्तिगत बात है आप पार्टी यार मैं तो अपन ने बहुत परेशान हो गए और क्या आधी रात को आपके लिए खड़ा हूं घंटा मत टाओ मैच बाकी है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर मध्य प्रदेश के आसपास के प्रदेशों से पुलिस बल बुलवाया गया है।
गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आयोजित किया गया विशाल लंगर। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में लंगर का आयोजन किया गया। वहीं इससे पूर्व गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ व शब्द कीर्तन भी हुआ। इस मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारे में उपस्थित रहे। बीएलओ द्वारा किया जा रहा है मतदाता पर्ची एवं वोटर गाइडलाइन का वितरण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करते हुए आरोन में सभी 120 मतदान केंद्रों के बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची एवं वोटर गाइडलाइन का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में मतदान क्रमांक 187 आदिवासी पठार मोहल्ला आरोन के बीएलओ संतोष भार्गव के द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता पर्ची एवं मतदाता गाइडलाइन का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। मतदाता पर्ची बांटी जा रही है, जैसे अधिक से संख्या में मतलब 75% लक्ष्य है वोटिंग का, लेकिन अपन और अधिक से अधिक चाहते हैं और अधिक से अधिक वोटिंग हो, इसे घर घर जाकर पर्ची बांटी जा रही है और सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है मतदाताओं के लिए, जिससे अधिक से अधिक और नई युवा पीढ़ी से भी कह रहे हैं भाई सबसे ज्यादा लोगों को घर से निकालें और मतदान करवाएं। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।